والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم कि आज पंपी एंड ग्लैमरी चीज़ें जिसके शहर में खोकर तुम अपने आप को अल्लाह की किताब से दूर करते हो वो कल के के दिन एक सिर्फ शराब होगा इसीलिए फरमाया ईमान वालों तुम अपना दिली दोस्त अल्लाह वालों यानी ईमान वालों के सिवा उन लोगों को ना बनाओ ऐ ईमान वालों तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा किसी और को ना बनाओ तुम तो इन्हें देखते हो तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं उठा रखते वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो इनकी अदावत तो खुद इनकी ज़ुबानों से भी ज़ाहिर हो चुकी है और जो इनके सीनों में पोशीदा वो बहुत ज़्यादा है हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी अगर अक्लमंद हो तो गौर करो हाँ तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते अल्लाह तला का ये दावा कितना सच है तुम तो क्रिसमस मनाते हो वो ईद नहीं मनाते तुम वैलेंटाइन मनाते हो वो तुम्हारे तरह से वलीमा नहीं करते आज भी आप देखिए गैर मुस्लिम कल्चर वर्सेस इस्लामिक कल्चर कौन किसके पीछे जा रहा है ये तो इतनी वाजे बात है जिस पे एक लफ्ज़ न बोलें तो बात बिल्कुल वाजह हो जाती है अल्लाह तला कहते हैं तुम्हें उनके तरीक़ों से प्यार है उनको तुम्हारे से नहीं वो तुम्हारे तौर तरीके ना अपनाएँ वो तुम्हारे दीनी माहाहब तुम्हारे रिचुअल्स को ना माने वो तुम्हारे साथ रोज़े ना रखें वो उम्र ना करें तवाफ़ ना करें वो तुम्हारी तरह से नमाज़ ईद की ना पढ़ें और तुम उनके तौर तरीक़ों पर चले हो ये है तमहिसकल की बात करने की जब तक मुसलमान गैर मुसलम कल्चर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर लेता इस्लाम के पौधे पर बाहर नहीं आएगी और फिर जितना इंसान इस बात पे गौर करे ना तो दोस्त और दुश्मन का फ़र्क भी पता चलता है मज़ीद अल्लाह फरमाते हैं तुम पूरी किताब को मानते हो वो नहीं मानते फिर मोहब्बत कैसी यदि मोहब्बत तो कभी भी वन साइड नहीं होती ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से की उंगलियां चबाते हैं कह दो कि अपने गु़स्से में ही मर जाओ अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है तुम्हें अगर भलाई पहुंचे तो ये नाखुश होते हैं और अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते हैं तुम अगर सब्र करो और परहेज़ करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान न देगा अल्लाह ताला इनके अमाल का अहात कर रखा है कितने ख़ामोश तरीक़े से मोहब्बत से अल्लाह ने आज उम्मत मुस्लिमा को एक तरीका बता दिया आज माँ बाप का ये क्वेश्चन है परेशान है कुछ कुरान पढ़ी हुई माएँ बहुत दुखी होकर ये सवाल पूछती हैं बाप भी दीन की तरफ आते हैं वो कहते हैं क्या करें बच्चों को बाहर के माहौल से कैसे आज़ाद करें क्या करें कैसे करें समझ नहीं आता प्रेशर बहुत है तो दो लव इस आयत में से ले लीजिए व इन तस्वीर व तकूँ सब्र करो किस पे सब्र करो माले हलाल पे सब्र करो हराम का एक लुकमा बाप अपने घर में ना आने दे और माँ क्या करे अपने आप को दीन से जोड़ ले इन दो कामों के करने वालों की औलादों को अल्लाह खुद बचा लेता है शर्त यह है कि हमारे दिल इस पर मुतफिक हो जाएँ फिर इसके बाद आप देखिए आयतवान एटीन में अलब्बुलमुब मुबत यानी बुग़ वाले दिल हाँ दिल की बात हुई कितना बुरा सोचते हैं ये इस्लाम के बारे में तो क्या इस सारी बात को सुनकर पता चला तीन बातें आपके सामने हैं पहली बात है कि मुसलमान की कलबी मोहब्बत और ताल्लुक का इब्तदाई हकदार मुसलमान है गैरों से होशियार रहना है उनको हमराज नहीं बनाना एतमाद नहीं करना यानी मोतमिद नहीं बनाना उनको हमदर्दी खैर ख्वाही बाहमी लेन देन के तल्ल जायज़ हैं और हम इस पर अपनी क्लासेस में डिटेल से बात करते हैं कि ताल्लुक के जो चार मुख्तलिफ लेवल हैं मदारात है मवासात है मामलत है तीनों गैर मुस्लिमों से जायज़ है वो बीमार हैं आप उनकी मिजाज पुरस्क कीजिए आपके हम में उनको आप बिरयानी समोसे आज ज़रूर भेजिए इफ्तारी में से हाँ आप उनके हाथ से सामान ले लीजिए आप उनकी बर्फ़ उठा दीजिए कोई हर्ज नहीं है आप उनके साथ लेन देन कर सकते हैं उनकी दुकानों से खाना ख़रीद सकते हैं आप उनके साथ हर अच्छा ताल्लुक करें लेकिन एक आखिरी दर्जा जिसको विलायत और बिताना कहते हैं जिसमें दुख सुख एक हो जाए वो जरा एख्यात की जरूरत है क्योंकि इसी से तो नस्लें फिर उधर से उधर चली गई फिर इसके बाद